Assalamu alaikum, 5th class. I hope all of you are fine. Today is your maths lecture number 22. Date is 8 August 2020 and day is Saturday. Topic है जी आपके पास perimeter and area. तो lecture का बकायदा आगाज करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बे ज़िदनी इल्मा. Your today's diary is exercise 8A question number 7 plus word problem question number 1 page है जी 158 पे. This is your question number 7 of exercise 8A. लिखा हुआ है find the perimeter of the following shapes. कि इन shapes जो के given की गई हैं आपको उनका जो है वो आप perimeter find करके बताएं. तो आप ये देखें जी ये shape actually क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक rectangle है और ये जो है वो एक square बना हुआ है, बल्कि square नहीं square ही है. ये देखें ये 4 सेंटीमीटर 4 4 और यहाँ पे भी 4. तो इस shape को क्या कहते हैं, composition. ठीक है, ये आपके पास एक कंपोजिशन है. तो कंपोजिशन के जब आपने पैरामीटर फाइंड करना होता है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, ये देखें. ठीक है, पैरामीटर कंपोजिशन का फॉर्मूला है ये. आपके पास जितनी साइड्स गिवन की गई हैं उन्होंने उन सबको प्लस कर दें तो आपके पास पैरामीटर आ जाता है. तो इसके लिए आप देखें मेरे पास ये, मैंने इनकी खुद ही नेमिंग की है. ये देखें, ए को मैंने सपोज किया है 2 सेंटीमीटर है, बी को 9 सेंटीमीटर, सी को 2 सेंटीमीटर, डी को 2 सेंटीमीटर, ई को 4 सेंटीमीटर, एफ को 4 सेंटीमीटर. अब देखें ये वाली साइड नहीं थी हमारे पास, लेकिन ये वाली साइड गिवन है ना, तो ये इसी के पैरेलल है. तो ई अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसका मतलब है जी भी 4 सेंटीमीटर होगा. एच की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर. तो ये आपके पास वैल्यूज गिवन हो गई. तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये वही वाली स्टेटमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा जो एज इट इज़ लिखते हैं हम वैसे लिख लिए. अब पैरामीटर ऑफ दिस कंपोजिशन किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच सेंटीमीटर. ठीक है, अब इनको जब मैंने इन वैल्यूज़ को सबको यहाँ पे लिखा है और प्लस किया तो आपके पास आंसर आ गया जी 34 सेंटीमीटर. और यही आपका क्वेश्चन है और हमने यहाँ पे लगा दी एंडिंग लाइन. अब इसी तरह से आपके पास बी पार्ट में भी गिवन है, बी पार्ट में भी एक कंपोजिशन गिवन है. तो उसके लिए ये देखें यहाँ पे ए जो है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, बी की ये देखें टोटल 7 सेंटीमीटर है ना इस साइड पर, लेकिन इस साइड पर उन्होंने हाफ किया है. तो ये पे यहाँ पे इतना हाफ मैं ले रही हूँ कि ये जो 4 सेंटीमीटर है नीचे वाला 3 सेंटीमीटर होगा. तो ए की वैल्यू जो है 2 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू अब ये देखें ना ये एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है. तो अगर ये 2 सेंटीमीटर मतलब कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर लाइन लगा लूँ, ठीक है, इतनी अगर लाइन लगाऊं तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर. हम इसको स्क्वायर बना नहीं रहे हैं, हमने सिर्फ सपोज इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि हमें ये वाली साइड की वैल्यू जो है वो गिवन हो जाए, पता चल जाए कि इसकी क्या वैल्यू थी. तो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी उससे मिलती जुलती है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई. एफ़ की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी गिवन की है 5 सेंटीमीटर. अब देखें ये 2 सेंटीमीटर ये और 3 सेंटीमीटर ये, ठीक है. अब ये जी की वैल्यू हो गई 9 सेंटीमीटर. अब एच की वैल्यू है टोटल की गिवन की गई है 7 सेंटीमीटर. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सारा एक दफ़ा मैंने एज इट इज़ लिख लिया है. अब पैरामीटर ऑफ दिस कंपोजिशन किसके इक्वल है कि ये सारे वो जितनी लाइंस गिवन थी, जितनी साइड्स गिवन थी हमें वो लिख के 7 सेंटीमीटर लगा दिया. अब इनको जो है वो मैंने वैल्यूज़ को एज इट इज़ जो है वो पुट किया कि ए की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया. बी की वैल्यू कितनी थी 4 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख दिया. इन्हीं सारा आपने एज इट इज़ लिखा है, सेंटीमीटर की जगह पे सेंटीमीटर ही रहा है. इनको प्लस किया तो आपके पास आंसर आ गया जी 36 सेंटीमीटर. ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो गया. इसके अलावा देखें वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 रहता था, अभी वो देख लेते हैं. ये लिखा हुआ है जी अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, के रेक्टेंगल की शेप का एक स्विमिंग पूल है. इस 18 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ जो है वो 18 मीटर है एंड 9 मीटर वाइड और वो 9 मीटर लंबा है. व्हाट इज इट्स पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर क्या होगा. ये देखिए जी लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल गिवन है आपके पास 18 मीटर, विथ गिवन है जी 9 मीटर. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन हो गया जी 2l + b. अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है जब रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल फाइंड करना है, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल का पैरामीटर, किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड है कि पैरामीटर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है उसका पैरामीटर फाइंड करके दिखाएं. तो ये देखें जी 2l की जगह पे हमने लिख दिया 18, b की जगह पे लिख दिया 9 मीटर. तो इन दोनों को ब्रैकेट में, क्योंकि पहले सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 27 मीटर. अब इसको जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास हो गया जी 54 सेंटीमीटर. तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया. इन तीनों क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है. अल्लाह हाफिज़.